मेरा नाम अकबर खान है सर, मैं गिलगित बल्किस्तान का रहने वाला हूँ। और गिलगित से मेरे बच्चे को इस तरह होगी कि हमें पता नहीं चला उसके पहले कहीं रीढ़ का हड्डी उसका टेढ़ा था। तकरीबन 6 महीने में मैं उसको लेकर गिलगित आया। गिलगित में जो ना कलीम साहब के जो ना क्लिनिक में आया, उसने कहा कि यहाँ का इसका इलाज नहीं होता, इसको लेकर जो ना आप लाहौर जाओगे। लाहौर गुटकी अस्पताल ने मुझे बताया, लाकर बच्चा को दाखिल किया कोई 2 दिन। तीसरे दिन में बच्चा को जो ना जंगले चढ़ाया, फिर तकरीबन 1 तारीख को बच्चा का जो ना वो हो गया था, एक्सरे किया था। दूसरे 16 तारीख को एक और एक्सरे किया, उसमें देखा डॉक्टर साहब ने आकर मुझे बहुत अच्छे तरीके से खुशखबरी दी कि उसका हालात दिन ब दिन अच्छे हो रहा है। इधर जो अस्पताल है, ये अस्पताल में बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। मैं बाहर भी लोगों को देख रहा हूँ, मेरा तकरीबन यहाँ पर 35 दिन हो गया। यहाँ से जो लोग ऑपरेशन करके यहाँ आते हैं, उधर से तो उसमें सिटी चेयर में आते हैं, दाखिल होते हैं, जाते वक्त वो खुद चल कर जाकर जो ना गाड़ी में बैठकर वो जा रहे। मैं जिस तरह मैं इतना खुश हो गया, जिस तरह मैं जो ना अपने इलाके में, ताकि मैं कभी भी जो ना लाहौर के ऐसे बड़े अस्पताल में नहीं आया था। मैं तो परेशान था घर से आते वक्त कि मैं अकेला बच्चा को लेकर जाते, मैं वहाँ कैसे करूँ। यहाँ तो मेरा बहुत खुशी होगी कि सब मेरे भाई हो गए, सब मेरे चाचे हो गए, सब मेरे रिश्ते हो गए, एक किस्म का मेरे सारे परेशानी दूर हो गए सर। मैं खुशी से बहुत बड़ा दुआ दे दूँगा सर, मेरे अल्लाह उसको मंजूर करे। मेरी जितने ज़िंदगी थे मैं इनकी मेरे के लिए दुआ ही दुआ दे दूँगा सर। कायनात के आगाज से आज तक इंसान बीमार भी पड़ते आए हैं, और इंसान ही इन बीमारों की मसीहाई के लिए खिदमात भी मुहैया कर रहे हैं। काबिले कदर और लायक तहसीन हैं ऐसे लोग जो इस मसीहाई को फर्ज समझकर किसी लालच या नामो नमूद से बेनियाज होकर इंसानियत की बिला तफरीक खिदमत में मसरूफ अमल हैं। गरीब, नादार और बेसहारा लोग जो मुख्तलिफ अमराज के महंगे तरीन इलाज करवाने की सकत नहीं रखते, इनके लिए लाहौर के शुमाल में BRB नहर के करीब वाके जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता घुरकी ट्रस्ट टीचिंग हस्पताल उम्मीद की आखिरी किरण जैसा है। हमारा मोटो यह है कि जेब को देखे बगैर हर एक को अल्लाह की खुशनुदी के लिए लेटेस्ट ट्रीटमेंट दें। और मैं आपको बताता चलूं जी कि अल्लाह ने इतना करम किया है कि अब पाकिस्तान का वाहिद स्पाइन सेंटर है जो बैनुल अक्वामी तौर पे माना जा रहा है। 11 मुल्कों से डॉक्टर आके ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं अपने अलहदा, और अब तक हम कोई 180 लोकल ऑर्थोपीडिक सर्जन FCPS ट्रेन कर चुके हैं। और आप देखिए कि हर चीज जो हम सोचते हैं लोगों की भलाई के लिए अल्लाह हमें दे देता है। और अब लेटेस्ट MRI के लिए हमने पैसे इकट्ठे करने की मुहिम शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो गया। $1.1 million का मोर इसी हफ्ते वो भी ऑर्डर करने जा रहे हैं। तो ये मकसद है बेलॉस अल्लाह के मखलूक की खिदमत करनी। ₹650 बेड्स पर मुश्तमिल घुरकी ट्रस्ट टीचिंग हस्पताल घुरकी फैमिली की तरफ से इलाके के लोगों को सेहत और इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात मुहैया करने के लिए 1994 में कायम किया गया। इस अस्पताल का इफ्तिताह मुल्क के मारूफ समाजी रहनुमा आंजहानी अब्दुल सत्तार ईदी के हाथों हुआ। आज ये पौधा एक तनावर दरख्त बन चुका है जिसकी छाँव में मुख्तलिफ अमराज के सताए लोग आकर बैठते और शिफायाब होते हैं। पाकिस्तान के हड्डियों जोड़ के माहिर तरीन डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर आमिर अजीज की सरबराही में घुरकी अस्पताल ऑर्थोपेडिक का पाकिस्तान का सबसे काबिल-ए-एतमाद अस्पताल बन चुका है।
जो जरूरतमंद और नादार मरीजों का बिल्कुल मुफ्त, जबकि साहिबान इस्तेताद के लिए इंतहाई अर्जा इलाज की सहूलियात मुहैया कर रहा है। आज ये पाकिस्तान के पहले स्पाइन सेंटर यानी हड्डी जोड़ के मुस्तनद तरीन इदारे के तौर पर जाना जाता है। गुरकी ट्रस्ट टीचिंग हस्पताल में 10 स्टेट ऑफ द आर्ट जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर्स हैं, जहां आलात और मरीजों को जरासीम से पाक करने के लिए जदीद तरीन निजाम वजा किया गया है। ये पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जहां 24 घंटे ऑपरेशंस होते हैं ऑर्थोपेडिक्स के। रीढ़ की हड्डी या कोई भी एक्सीडेंट केस आता है, उसी रात ऑपरेट हो जाता है। एक दिन में 24 घंटों में यहां 40 से 45 ऑपरेशन होते हैं, और छुट्टियां वगैरह अगर आप निकाल दें तो साल में 12,000 से ज्यादा मेजर ऑपरेशन अल्लाह करवा रहे हैं हमसे। हम 6 प्रोफेसर्स हैं, 2 एसोसिएट प्रोफेसर हैं, 6 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, 6 सीनियर रजिस्ट्रार हैं और 52 ट्रेनीज हैं। और मजे की आपको बात बताऊं कि प्रोफेसर से लेके पहले साल के स्टूडेंट तक सब मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हमारा थिएटर स्टाफ, हमारी नर्सें, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, आफरीन है इन सब पे। जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता इस अस्पताल में मुख्तलिफ शोबे, हर तरह के मर्ज के इलाज के लिए माहिर तरीन डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीमों और पैरामेडिक्स की बदौलत लाहौर के निजी अस्पतालों में सबसे नुमाया तरीन नाम बन चुके हैं। इस अस्पताल की काबिले कदर बात यह है कि ये आलमी सतह पर पाकिस्तान के बेहतरीन तासुर के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। अभी हाल ही में अस्पताल ने एक और संगे मील अबूर करते हुए रोबोटिक साइबर नाइफ सर्जरी का भी आगाज कर दिया है। ये कैंसर और ट्यूमर का जदीद तरीन और इंतहाई महंगा जरिया इलाज है, जो पाकिस्तान में कराची के बाद लाहौर में दूसरा यूनिट है। अमेरिका में इस किस्म के इलाज पर कमोबेश 1,00,000 अमरीकी डॉलर्स यानी तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए तक का खर्च आता है, जो घुरकी ट्रस्ट टीचिंग अस्पताल लाहौर में मुस्तहक मरीजों के लिए बिल्कुल मुफ्त हो रहा है। साइबर नाइफ सर्जरी के जरिए ट्यूमर को श्वाओं के जरिए खत्म कर दिया जाता है। ये तरीका इलाज अब तक का जदीद और मौसर तरीन जरिया इलाज है। 4 मिलियन डॉलर की मशीन है ये। कैंसर के शुरू के मरीजों का इलाज दिमाग में, जिगर में, फेफड़ों में, प्रोस्टेट में, रीढ़ की हड्डी में, जहां हो, ये श्वाओं से उस ट्यूमर को जला देती है। 3 सेंटीमीटर तक का ट्यूमर तो बहुत आराम से ख़त्म हो जाता है, और 95% इसकी कामयाबी का तनासुब है। तो लोगों से यही गुजारिश है कि बढ़ चढ़ के आके देखें कि जो हम कह रहे हैं वो करते भी हैं कि नहीं, और अगर तसल्ली हो तो उसके साथ हमारे साथ तावन करें। कैंसर के मरीजों के लिए ये मौजज़ा है, ख़ास तौर पर दिमागी कैंसर के लिए। जो ऑपरेशन के ज़रिए निकाला जाए तो नुकसान ज़्यादा होने का ख़तरा होता है, ये कैंसर को जला देता है। और इस मशीन की खासियत यह है कि जो नॉर्मल इर्द गिर्द के अज़ा हैं उनको नुकसान नहीं देता। घुरकी ट्रस्ट टीचिंग हस्पताल का हर शोबा बेहतरीन सहूलियात, जदीद तरीन आलात और माहिर तिब्बी अमले पर मुश्तमिल है। इस हस्पताल के अखराजात और आवाम को मुफ्त तिब्बी सहूलियात मुहैया करने के लिए दुनिया भर से साहिबान इस्तेताद माली तआवुन करते हैं, जिनकी बदौलत जरूरतमंद मुस्तहकीन को मुफ्त इलाज की सहूलियात मुहैया करना मुमकिन हो पा रहा है। ये इदारा
इससे वाबस्तगान और दूसरों के लिए एक रोशन मिसाल है, जिनकी तकलीद करते हुए इंसानियत की खिदमत करने में हर मुमकिन इकदाम उठाने की तरगीब मिलती है।